हाय गाइस, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर आपने कोई ट्रेन का टिकट बुक कराया है, जहाँ को आपने ट्रैवल के लिए टिकट बुक कराया है, और आप उस टिकट को आपका मोड चेंज हो गया, आप वहाँ वो ट्रैवल आप वहाँ करना नहीं चाहते, तो आप उसको टिकट को कैंसिल करना चाहते तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना, आपने जिस भी ऐप से आपने जो टिकट बुक करा है वो आपको ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैंने इस ऐप से ओपन करा था, एक्जिगो ऐप से। तो ये क्या है ना कि ये ऐप जो अगर आपने कोई भी ऐप हो, आपने जिससे भी टिकट या फ़ोन पे से टिकट बुक करा है या पेटीएम से टिकट बुक करा है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है अपना आईडी पासवर्ड डाल के। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल पर जाना है। वो सेम प्रोसेस होता है, प्रोफाइल वाला आइकन इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ देखने को काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, कस्टमर सर्विस, माई बुकिंग लिंक, योर IRCTC अकाउंट। तो आपको जो सेकेंड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, माई बुकिंग्स, आपको इस पर टैप कर देना है। तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद आपने जो टिकट बुक करा है वो ट्रेन का टिकट बुक करा है, तो आपको ट्रेन के टिकट पर क्लिक कर देना है इसे लोगों पर। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने जो टिकट बुक करा था वो आपको यहाँ इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से डेट हो जाएगी। जो मेरी जो डेट है वो 7 जनवरी की डेट है, ऑन टाइम। इस तरीके से आपको जो प्रेजेंट में आपने टिकट बुक करा आपको ऑन टाइम देखने को मिलेगा, ये मेरा ऑल टिकट है। तो इसके लिए फिर इसके बाद हमें क्या करना, हमें इस पर टैप कर देना है। इसका जो आइकन देखने को मिल रहा है, हमें इसमें इस पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो आपकी जो ट्रैवल है वो डेट टाइम देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको 1 से 2 बार स्क्रॉल डाउन कर देना है। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ मैंने स्क्रॉल डाउन करा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ रेड में देखने को मिल रहा है, कैंसिल टिकट। तो आपको इस पर टैप कर देना है। टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद जो मेरा जो टिकट था वो कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोसेस, आपको बस कैंसिल पे क्लिक करना है, वो आपका जो टिकट है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ये टिकट 3 से 4 दिन पहले टिकट आप कैंसिल कर रहे हैं, तो आपको उसका 70% या 80% आपको उसका रिफ़ंड मिल जाएगा। जो आपका जो जितने में आपका टिकट बुक हुआ है उसको आपको आधा रिफ़ंड आपको मिल जाएगा, पैसा आपको आधा रिटर्न आपके अकाउंट में हो जाएगा, जिस भी आपने फ़ोन पे से ही करा है, किसी से भी टिकट आपने बुक करा है। तो इस तरीके से आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।